morning, dear students. So, we are continuing with the chapter biological classification, and in the last class we have started talking about kingdom fungi. So, Erich Whitaker jo five kingdom system ta propose karthile, ta bhitru first duita kingdom Monera and kingdom Protista we have completed. Monera was the kingdom for unicellular prokaryotes. Protista kingdom was designed for unicellular eukaryotic organisms. So in this kingdom fungi, it is also the kingdom for eukaryotes, but in this kingdom you will get unicellular fungus, you will get multicellular fungus. So fungal kingdom re ame jo fungus mane achanti tanka bhitru kichi fungus unicellular ekakosi fungus mane anicha kavako and kichi bahukosi ba multicellular fungus are also present. Okay, so kingdom fungi so fungal kingdom ro body ta kemti thibo the body organization fungal body is composed of the filamentous network. Filamentous body. Filament buji parchuta emti sabu filament bahati wire bhaliya bahati and this filamentous body is called as hypha. It is filamentous and the structure is called as hypha. These hyphae form loose aggregation to form loose tissue, and this aggregation or loose tissue is called as mycelium. Okay, सिंगुलर जदि नबा हमें गोटे फिलामेंट नबा ताको कहबा हमें कोन हाइफा. सो ग्रुप ऑफ हाइफा गेले हमें ताको कोन कहबा माइसेलियम. दिस इज कॉल्ड एज माइसेलियम. किमति सेटा हाइथिबो स्ट्रक्चर टा फंगल बॉडी रो दीज आर द हाइफल स्ट्रक्चर. इमति सब स्ट्रक्चर उडा कथिबो गोटे गोटे सिंगुलर नेले ताको हाइफा कहबो. टोटल बॉडी टाको कोन कहबो माइसेलियम. This is what the fungal body, and it is what a loose tissue, loose aggregation of the hypha. Bujhi parcha ki nahi? Now ame dekhiba ki ye jo mycelium rahila, the network of the hypha is called as mycelium. To sahi point ta ko tike note karo. What is mycelium? The network of hypha is called as mycelium. छतु देखी थी वो तो मैं मशरूम जोड़ा में खाऊ चु घरे तो सब बढ़ रही थी वो पचा कुटा काठ ऊपर जो छतु गुड़ा कही था सही टाको टोटल टाको हमें कहो माइसेलियम. बट तर इंडिविजुअल नेटवर्क टाको हमें गोटे गोटे हाइफा कही परिबा ना. बट होल बॉडी ऑफ द फंगस द मशरूम इट इज अ माइसेलियम. बुझे हबो माइसेलियम व्हाट इट इज अ लूज टिश्यू. फंगस बॉडी टाको तुम जदि टच करिवो इट इज सॉफ्ट इट इज नॉट हार्ड. बा गोटे ब्रेड रखि दियो गोटे पाउरुटी रखि दै दियो तको गोटे सप्ताह पर देखिबो कि 5 दिन 7 दिन पर देखिला तब गोटे व्हाइट कलर रो गोटे फंगस ग्रो करि जाय. ब्रेड मोल्ड ताको कहंती राइजोपस बा ब्रेड मोल्ड. सेटा राइजोपस रो स्ट्रक्चर. सेटा टिश्यू डा किमते थे लूज थे सॉफ्ट टिश्यू गोटे धळा धळा दा पर गोटे कवरिंग हे थे टच करिवो ता गोटे लाल लाल लागियो हैला. दिस इज व्हाट द फंगस. बा मुंड रे डेंड्रफ हुए शीत दिन समस्त देखियो पानी रे मुंड कोनो तो डेंड्रफ बाहर तो ताको हमें कौन कही पारे छ फंगस. जो फंगस आर डाइवर्स ओमनी प्रेजेंट. इट इज प्रेजेंट इन द एक्वाटिक कंडीशन. इट इज प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशन. सो विद रेस्पेक्ट टू हैबिटेट फंगस रो जदि हैबिटेट को हमें नबा फंगस
दीज आर ओमनीप्रेजेंट एव्री हुआर यू विल गेट द फंगस पानी रे भी पाइबो एक्वाटिक फंगस देन टेरेस्ट्रियल फंगस जलभाग रे भी रहिबो फंगस स्थल भाग रे भी रहिबो एक्वाटिक फंगस एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फंगस सो मु जदि पचारे इन बिटवीन द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल फंगस बेसी को जगह से रहिबो मेजॉरिटी ऑफ द फंगस प्रेजेंट इन व्हिच हैबिटेट सो कौ परिवेश रे अधिक संख्या रे फंगस रहिबो देन डेफिनेटली योर आंसर मस्ट बी गोस टू टेरेस्ट्रियल सो टेरेस्ट्रियल फंगस आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म इट इज व्हाट द टेरेस्ट्रियल फंगस बुझी पार्छ कि नहीं देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केमती हेतिबो फंगस रो बॉडी टाकु केतडा सेल्स रे तयारी हेतिबो एबे जस्ट आमे डिस्कशन करूथिलु कि फंगस मे बी यूनिसेलुलर फंगस मे बी मल्टीसेलुलर ओके सो आई एम राइटिंग हियर फंगाई मे बी यूनिसेलुलर और फंगस मे बी व्हाट मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर फंगस माने कौन से फंगस रो बॉडीटा केतोटी सेल ले तयारी हेतिबो द बॉडी ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल देन इट इज सेड टू बी यूनिसेलुलर फंगाई और इफ द फंगस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स इट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर सो एक कोशी फंगस भी अछंती बहु कोशी फंगस भी अछंती मल्टीसेलुलर माने कोन मल्टी मींस मेनी सेल्स बहु कोशी शंकर बॉडी रे केतरा सेल तयारी हेतिबो वन सेल बा सिंगल सेल मल्टीसेलुलर रो बॉडी टा केतरा सेल्स रे हेतिबो मेनी सेल्स कुड यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर फंगाई हु कैन से इमती गुड एग्जांपल दियो फंगस रो जार बॉडी टा केवल गोटे मात्र सेल्स रे हेतिबो गोटे लेखिबा एग्जांपल दिस इज योर ईस्ट और उसमें क्या एग्जांपल आएगा बेटा पेनिसिलियम आएगा पेनिसिलियम का नाम तो पता है आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स इज डिराइव्ड पेनिसिलियम रो कौन बाहर गोटे एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन हुए पेनिसिलिन करी जोटा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो डिस्कवर करते गोटे एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन से कौटू आसे पेनिसिलियम गोटे फंगस रु आसे अच्छा ईस्ट यूज कौन हम ईस्ट ईस्ट साइंटिफिक नाटा है साकारोमाइसिस ईस्ट रो नाटा ईस्ट को जगह तैयारी हे पावरोटी तैयारी कला बेल दरकार ब्रेड मेकिंग हौ बा इडली मेकिंग हो दोसा मेकिंग हो से सब जगह ईस्ट आवश्यकता रही वाइन अल्कोहल इंडस्ट्री जोटा अच्छी वाइन बियर व्हिस्की सो अल्कोहल फॉर्मेशन हो से सब जगह यार आवश्यकता रही कौन करे हेक्साकरोमाइसिस कौन करे तो फर्मेंटेशन कर दिए फर्मेंटेशन करीकर अल्कोहल प्रोडक्शन कर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इडली देख दोसा देख चकुली देख तुम से कौन कर सी जो स्लरीटा बनई था चावल बेरी बाटिक गोटे दिन रखी दिंता ता ये फंगसटा ग्रो कर जाए ईस्ट ग्रो कर जाए ग्रो कला बेल फर्मेंटेशन कर चकुलटा जो तार मोल्ड भितर रही जाए तार जो प्लेट थाए से प्लेट भितर रखीदेव तापर ताक सर देखो ताकि छोट छोट सब होल्स थाए कणा कणा तुमको देखा जाटा स्मूथ नुह बा दोसाटा जो प्लेट रे मेले दी जाए भी आसुच सब कणा कणा आस बुझिपारे चकुड़ी रे भी बट व्हाई कौन पर पोर्स आसूँ कौन पर होल्स आसा भितर बुझिपारे कि नहीं ईस्ट ग्रो कला मात्र के भितर जिते बड़े इथाइल अल्कोहल प्रोडक्शन हुए इथानल C2H5OH
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अंगारकाम्ल गैस भी तैयारी हुए। गैस तो रही उड़ी जीव गैस जो तरह बाहर की आसो जो पट देखिए बाहरी आसो से पट देखिए होल हो एंड इट मेक्स इडली इट मेक्स द ब्रेड स्पंजी से इडलीटा सफ्ट दोसाटा सफ्ट चकुलटा सफ्ट ब्रेड भी सफ्ट स्पंजी हो सफ्ट हो कौन पर ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गला से जगह सफ्ट होल हो पोर हो एंड इट मेक्स सफ्ट गोटे डोमेस्टिक यूज बुझीपार ईस्ट रोटे डोमेस्टिक यूज घर ही कमी यूज हुए अल्कोहल इंडस्ट्री तो यूज हो कमर्सील यूज जोटी थाइल अल्कोहल प्रोडक्शन हुए बट डोमेस्टिक यूज हाउस होल्ड यूज कौन हुए टू मेक इडली टू मेक दोसा टू मेक ब्रेड क्लीयर सो दिस इज ऑल्सो द फंगस देन पेनिसिलियम यू नो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स दिस इज यूनिसेल्युलर फंगस हेल्पिंग अस मल्टीसेल्युलर फंगस हेल्पिंग अवर मैनकाइंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आम जीवा टाइप्स ऑफ माइसेलियम माइसेलियम को हमें भी क्लासिफिकेशन करिबा बा फंगल बॉडी जोटा तुम कौच दिस इज कॉल्ड एज माइसेलियम माइसेलियमटा गोटे हाइफेल नेटवर्क फंगस रो होल बॉडीटा को हमें कौच माइसेलियम इंडिविजुअल फिलामेंट इज कॉल्ड एज हाइफा सो नेटवर्क ऑफ हाइफा नेटवर्क ऑफ द फिलामेंट दैट इज माइसेलियम तो माइसेलियमटा केते प्रकार रहिबो देखिबा माइसेलियम इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज अब देखते हैं कैसा दिख रहा है माइसेलियम फॉर एग्जांपल लेट मी चेंज द कलर फॉर यू दिस इज वन माइसेलियम दिस इज अ माइसेलियम एंड इनसाइड दिस माइसेलियम बहुत सारा न्यूक्लियस अच्छी कंटेनिंग मेनी न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस भितर किछि पार्टीशन तुम देखी पारु छ कि सेपारेशन देखी पारु छ कि एटी किछि गार पड़ छ कि नाही नो डिविजन ऑफ द माइसेलियम माइसेलियम इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर नो पार्टीशन इज प्रेजेंट नो सेल वॉल इज प्रेजेंट नो क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट बुझीहब तो ये आम लिखा दिस माइसेलियम इन हुईज द क्रॉस वॉल बाकू आम कहू सेप्टा क्रॉस वॉल और सेप्टा दैट इज एब्सेंट क्लियर सच ए माइसेलियम इज कॉल्ड एज एसेप्टेट माइसेलियम सेप्टा माने कौन पार्टीशन तो जहार रहिबो सेप्टा पार्टीशन ताको तुम कहिबो सेप्टेट इफ द सेप्टा इज एब्सेंट इफ द पार्टीशन इज एब्सेंट सच माइसेलियम इज कॉल्ड एज एसेप्टेट वन कंडीशन इज वेरी क्लियर इफ द सेप्टा इज प्रेजेंट सेप्टेट इफ सेप्टा इज एब्सेंट एसेप्टेट वेरी सिंपल Accepted means the septa or the cross wall is absent in this mycelium. Next point. If this partition is absent, then there is only one chamber. There is a gute kothari bhitre sabu rahibe. Many nucleus are present, 1, 2, 3, 4, 5. More than one nuclei are present. Multiple nuclei are present. So this condition is called as multi-nucleated condition. Containing many nucleus, the mycelium containing many nucleus. So this condition is called as multinucleated condition. Multinucleated means it contains many nucleus. तो ये प्रकार conditions तक हमें कौन कहिबा सिनोसाइटिक कंडीशन आम कहीपरिया
माइसेलियम इज एसेप्टेट विदाउट सेप्टा विदाउट पार्टीशन। सिनोसाइटिक माने कौन? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन विदाउट सेप्टा, बुझेबो। सो माइसेलियम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड बा सिनोसाइटिक, सेप्टा इज एब्सेंट सो इट इज एसेप्टेट। हबो देन नेक्स्ट ताको देखिबा आमे नेक्स्ट कंडीशन रे कौन हबो। दिस इज द माइसेलियम, क्लियर, एंड मल्टीपल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट 3, 4, 5, बट एटी तुम पाइज कौन पार्टीशन प्रेजेंट, क्रॉस वॉल प्रेजेंट और पार्टीशन प्रेजेंट। से कंडीशंस टाक हमें कौन कही परिबा, क्रॉस वॉल और सेप्टा प्रेजेंट, क्रॉस वॉल को कहिबो सेप्टा, दिस इज प्रेजेंट। जदि सेप्टा रहिला ताले ए प्रकार माइसेलियम टाक हमें कौन कहिबा, सेप्टेट माइसेलियम, विथ सेप्टा सेप्टेट, विदाउट सेप्टा एसेप्टेट। नाउ पार्टीशन जदि प्रेजेंट रहिला, बहुत सारा चेंबर तैयारी गला एंड इनसाइड इज चेंबर इट कंटेनिंग ओनली वन न्यूक्लियस। प्रत्येक चेंबर भितर तुम निश्चित भाव में देखि पारथु गोटे गोटे न्यूक्लियस अछि, ताकु आमे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस कहि परबा कि नाय, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यूनि न्यूक्लिएटेड बा मोनो न्यूक्लिएटेड कहि आबो, ता माने इट कंटेनिंग वन न्यूक्लियस पर चेम्बर। से प्रत्येक चेम्बर भितरे गोटे गोटे न्यूक्लियस रहयो, यूनि न्यूक्लिएट, एटा है मल्टी न्यूक्लिएट। जो गोटे पार्टीशन रहइबो, जो गोटे सेप्टा रहइबो, दैट इज यूनि न्यूक्लिएट। जो गोटे पार्टीशन नहीं, सेप्टा नहीं, इट कंटेनिंग मेनी न्यूक्लियस, बुझिपारे। गोटे घर हो कि पार्टीशन न थी, गोटे हल रे 10 जन छुआ मैंने शुभ, तो सहीटा है कौन एसेप्टेड। बस ये रूम को आम प्लाय लगे कि पार्टीशन करदे, प्रत्येक रूम रे गोटे 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 रखेदे, सहीटा है एसेप्टेड कंडीशन, बुझीहब। ओके फाय से नेक्स्ट पार्ट आम देखा कि सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस, फंगस र सेलुलर स्ट्रक्चरटा केमतिका हाबो। जमी तुम्हें बैक्टीरिया सेल रो गोटे स्ट्रक्चर आम देखी सिंपल मॉडल सेल, सिंपल सेल बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, सेल मेम्ब्रेन दे आर सेल वॉल थिला, ता भीतर गोटे डीएनए टा पड़ा न्यूक्लियोइड बोली कहूँ, प्लाज्मिड थिला, ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, न्यूक्लियस इज नेकेड इन द प्रोकैरियोट्स, बट इज द फंगस बिलोंग टू यूकैरियोटिक सेल्स, स्वनियोस्टिया कोष, एडवांस सेल्स, तो यार डीएनए टा नेकेड नुह, क्लोज डीएनए, से न्यूक्लियस चारिपाखे गोटे नियोस्टी झिल्ली अच्छी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी। हम तो अल्ट्रास्ट्रक्चर आम देखा, फॉर एग्जांपल दिस इज द डायग्राम, फंगल सेल रो सेल वॉल टा को मटेरियल ले थी बरे, काइटिन। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन टा गोटे कौन कार्बोहाइड्रेट, इट इज ए पॉलीमर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लुकोसामाइन। लास्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथिलु फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एन-एसिटाइल ग्लुकोसामाइन, दिस इज सेल वॉल।
अब प्रॉब्लम क्या है उसमें, दिस इज व्हाट, दिस आउटर वन सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन को हमें कौन कहूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल सेल्युलोज, फंगल सेल्युलोज काइटिन, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द पार्ट कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन टी कौन करी, सेल मेम्ब्रेन टी टिके फोल्डिंग हेछि, दिस इज व्हाट द फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल रो भी सेल मेम्ब्रेन टा फोल्डिंग हेकिरी थिला, जाको तमे सेठी गुटे ना देथिलो मेसोजोम, सेंट्रल मेसोजोम लैटरल मेसोजोम, मेसोजोम रो काम सेठी थिला फॉर रेस्पिरेशन। यूकारियोटिक सेल्स रे माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन जहाँ एटीपी तैयारी करिवो, एनर्जी प्रोडक्शन करिवो, से कामटा बैक्टीरियल सेल सेल भितर मेसोजोम से कामटा करूतला। कौन पाई कि बैक्टीरियल जेहेतु गोटे प्रोकैरियोटिक सेल तार भितर तुमर नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्लास्टिड्स नहीं गल्गी बॉडीज एब्सेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो एब्सेंट, बट एटीपी तो दरकार ना, से प्रोकैरियोटिक सेल हो बा से यूकैरियोटिक सेल टे हो, फॉर द एवरी लिविंग सेल इट रिक्वायर्स एनर्जी, समस्त एनर्जी आवश्यकता रही, समस्त एटीपी आवश्यकता रही, बट से एटीपी तैयारी हम निश्चित भाव में दरकार, कौट एटीपी तैयारी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो कामटा आगे जन करिया दरकार, तो जो कामटा कि मेसोजोम करौतना, बट हियर दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग इज नॉट कॉल्ड एज मेसोजोम्स, क्या कहते हैं उसको, this folding is called as lumazum, this folding is called as what, lumazum। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा इधर, ये आ गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेटेरियल, एंड दिस न्यूक्लियर मेटेरियल इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। DNA is not naked here, DNA is covered, covered DNA here, along with this nucleus. So let me label this diagram, this structure is called as what, nucleus, tapare kon tumhe paibo other organelles are present, these are the granules, reserved food materials, mitochondria are there, these are reserved food materials, eta sab kono granular structures, dana dana sab uthibo, एंड इन फंगस व्हाट इज द रिजर्व फूड मेटेरियल, संचित खाद्यटा कौन मैंने कौ प्रकार खाद्यटा को संचय कर रखते, इन रिजर्व फूड मेटेरियल इट इज योर ग्लाइकोजेन एज वेल एज ऑयल। सो फंगस रे तुम ग्लाइकोजेन पाइज एज रिजर्व फूड मेटेरियल, एंड उसके बाद ऑयल्स ड्रॉपलेट में मिलेगा, ऑयल्स लिपिड्स, ओके, ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, गल्गी बॉडीज प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, बट प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड्स एब्सेंट माने यांको भितरे फोटोसिंथेसिस हेई पारिबो नाही, फंगस आर हेटरोट्रॉप्स, फंगस में भी पैरासाइट्स, फंगस में भी डिकम्पोजर, फंगस में भी सिम्बायट्स, तो दे आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो माने रोसे करिवे नाही तांका पई किचन रो आवश्यकता अछि कि नाही, बाहर खाई मु सब दिन होटल ले खाई, सपोज मु तो जो घर बाडा नै भी मते किचन दरकार नै, सिंगल रूम गुटे हे गेले मोर हे गला हैला, बट जो माने फैमिली वाला आछन्ति रहउछन्ति रोसे बास करि खाइबे, सी जेतो खोजिबे किचन अछि कि नाही, डाइनिंग अछि कि नाही, लेटिन अछि कि नाही, बेडरूम अछि कि नाही, सब देखियो कि नाही, बैचलर आसो किसी दरकार नहीं होटेल खाइब बास काम छुट्टी
ନୁ କିଚେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଏମାନେ ଘରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ବାହାରିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ଲୋକ ଫଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲବକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଚେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର କାମ କ'ଣ? ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେଲ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ କିଚେନ୍ କୁହନ୍ତି, କିଚେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍, ସୋ କିଚେନ୍ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଖାଇବେ? ହୋଟେଲରେ ଖାଇବେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଟ୍ରୋ ଟ୍ରପ୍ସ। ପର ଭୋଜି, ଏମାନେ ଘର ଭୋଜି ନୁହେଁ, ନିଜ ଘରେ ଖାଇବେନି, ପର ଘରେ ଖାଇବେ, ପର ଭୋଜି। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ସୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ସ ଆର୍ ଆବସେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ସ ଆର୍ ଆବସେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ରେ? ଦେ ଆର୍ ହାଇଟ୍ରୋଟ୍ରଫିକ୍, ଦେ କେନ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଦେୟାର୍ ଫୁଡ୍, ଦେ କେନ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଦେୟାର୍ ଫୁଡ୍। ଫୁଡ୍ ସେମାନେ ସିନ୍ଥାସିସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହାଇଟ୍ରୋଟ୍ରଫିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ପରଭୋଜି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସେଲୁଲାର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଏ ଫଙ୍ଗସ୍। ଜିନିଷଟା ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବାଉଟ୍ ଦ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଫଙ୍ଗସ୍ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ହେଇପାରେ, ଫଙ୍ଗସ୍ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଗୋଟେ ସିମ୍ବାୟଣ୍ଟିକ୍ ହେଇପାରେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଜିମ୍, ଆଉ କେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସହିତ ସେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିପାରେ, ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପାରାସାଇଟିକ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ପାରାସାଇଟ୍ସ ହେଇପାରେ, ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ହେଇପାରେ, ବା ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ କରିପାରେ। ସୋ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ମେଥଡ଼୍ଟା କେଉଁଟା? ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍। ମୋଷ୍ଟ କମନେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଦେଇଥିଲି ତୁମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍। ତ ବହୁତ କିଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରୁନି, ବଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଢ଼ାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛି ଛୁଆ ଏବେ ବି ଆମର ସ୍ଲିପର୍ ସେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଟିଲ୍ ନାଉ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ କର, ହେଲା, କରିକିରି ପଠାଅ, ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁମର କେତେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ହେଲା। ଛଅ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ, ନା ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ହାଉ ଦ ଫଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେ ପିଲା? ପ୍ରଜନନ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ, ଦେ ହାଭ୍ ଏ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର୍ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଦେୟାର୍ ସ୍ପେସିସ୍ ୱିଲ୍ ରନ୍ ଓଭର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ସେମାନେ ମରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହଉ, ବଂଶରକ୍ଷା ହଉ, ହେଲା। ତ ସେଇ ସେଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଜନନ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଦିନ ନା ଦିନ ମରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ତା'ର ପ୍ରଜାତି ଆଉ ରହିବ କି? ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଟାଇଗର୍ ମରିଯିବ, ସେମାନେ ମରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ଟାଇଗର୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁନି, ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ମୁଁ ଗପ କହିଲେ ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ ବାଘ ବୋଲି ଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସ୍ପେସିସ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ରନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ। ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟିର ନାଁ କ'ଣ? ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରଜନନ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସବୁ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ୟୁକାରିଓଟ୍ସଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ହଉ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ଟେ ହଉ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହାୟର୍ ଆନିମାଲ୍ସ ହଉ, ସୋ ଏଭ୍ରି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ହ୍ୱାଇ? ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେୟାର ସ୍ପେସିସ୍, ଟୁ ରନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍। ବଟ୍ ସେଇଟା ସବୁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତରିକା ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ଅଛି, ଆପଣା ଆପଣା ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ଅଛି।
जो प्रोसेस रे गोटे हाइड्राटा रिप्रोडक्शन कर ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन स्टाइल इज डिफरेंट गोटे प्लांट केमती रिप्रोडक्शन करुच दैट इज डिफरेंट एमुवा केमती रिप्रोडक्शन करुच दैट इज डिफरेंट बट टारगेट इज सेम मोटो इज सेम टू प्रोड्यूस द यंग वंस किए कौ स्टाइल करुचा अलग कथा बट उद्देश्य समस्त कौन तक स्पेसीसटा पीछे कंटिन्यू हवा दरकार ठीक अच्छे बट फंगस को जब आम नवा छतुटा तुम देखीच से रिप्रोडक्शन करके रेणु दार था स्पोर मंजी न था दे आर नॉट हैविंग द सीड्स सो फंगल रिप्रोडक्शन इट इज बाय थ्री मेथड्स रिप्रोडक्शन इज फंगस इट इज बाय थ्री मेथड्स नंबर वन वेजिटेटिव मेथड देन उसके बाद एसेक्सुअल मेथड देन बायसेक्सुअल मेथड तीन प्रकार मेथड अच्छे क्लियर वेजिटेटिव मेथड रे से कौन करा कौन फिजन बडिंग फ्रैगमेंटेशन तो ये सब प्रक्रिया माध्यम रे से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर बुझेगा कि फिजन माने ब्रेकडाउन बडिंग गोटे करक उद्गम फ्रैगमेंटेशन विखंडन खंड 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 हो ए सेक्सुअल मेथड रे कौन हुए प्रोडक्शन ऑफ स्पोर रेणु भवर स्पोर प्रोडक्शन अच्छा से स्पोर रो ना कौन जू स्पोर स्पोरांजियो स्पोर स्पोरांजियो स्पोर कोनिडिया बहुत सारा अच्छे सेक्सुअल मेथड रे हुए कौ स्पोर जाइगोस्पोर ये सब जिनसटा अच्छे ठीक अच्छे ये जो रेणु तैयारी जो स्पोर प्रोडक्शन है सेक्सुअल मेथड रे से स्पोरटा डिस्पर्स हम फ्रॉम द फंगस रिलीज हो फ्रॉम द फंगस देखा फॉर एग्जांपल दिस इज ए फंगस मशरूम है दिस इज ए ब्यूटीफुल फंगस देखिए दिस इज ए ब्यूटीफुल फंगस क्लियर See this diagram. Okay. This is a fungus. Jada ame khauch mushroom agaricus. To yaar lower side se ta chota da dekhibo tole wadu sab insu partition ach septaj. Ta bhitre se spore production karibo. Spore. Se spore ta kon abo release hoyo barsha dine kon abo generally asexual reproduction ta rainy season re. Se sub disperse hoyo. डिस्पर्स एक आखपाखे पड़ो आज देखिए गोटे छतटा फुटी थी तापर तीन चार दिन पर देखिए चारिपाखे चार्टा पाँचटा छटा दसटा भर्ती हो सब बोले कौन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बाय स्पोर प्रोडक्शन बुझिपार कि नहीं बट द नेक्स्ट अच्छा तुम जब जड़े कह सर मुझे छतु चाष करी केमती कर पल जाओ नुआ बजार पाखे से मिल स्पोर मिल आम कौन कौ साधारण लोक मैंने तो स्पोर बोली जाणी ना सेने कहते आज्ञा छतु मंजी गोटे दल बटल ले बिक्री हुए काच बटल दब सी नहीं आस बट एक्चुअली दिज आर नॉट द सीड्स ऑफ द फंगस फंगस आर नॉट सीड प्रोड्यूसिंग दे प्रोड्यूस व्हाट स्पोर गोटे नहीं आस गए शहे टकर कोटा पा पकईदेव टेला पकईदेव मंजी बास गोटे सप्ताह वेट कर
देखिब दि स्पोर्स आर जर्मिनेटेड टू फॉर्म न्यू माइसेलियम तो जो स्ट्रक्चरटा तुम देखिब दिस इज द माइसेलियम क्लीयर स्पोर्स आर जर्मिनेटेड टू फॉर्म माइसेलियम जमी मंजी पकईदे तार जर्मिनेसन हुए अंकुरोद्गम हुए ये कौन स्पोर जर्मिनेसन हम नॉट द सीड जर्मिनेसन स्पोर जर्मिनेसन नुआ फंगल फंगस बड़ी याब एंड दिस फंगस बड़ी इज नथिंग बट कॉल्ड इज माइसेलियम डन उसके बाद नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेथड रे कौन हो देखा रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मेथड सेक्सुअल मेथड रे जुग्मक तैयारी हे गैमेट तैयारी हे मेल गैमेट फीमेल गैमेट आउ से दिज फ्यूजन है समायन प्रक्रिया हे फर्टिलाइजेशन हम दुटा जुग्मक मिसीगला पर एन प्लस एन टू एन डिप्लॉयड जायगोट बा जुग्मज तैयारी हे ठीक अच्छे सो द सेक्सुअल मेथड इन फंगस इट इनवल्वस थ्री स्टेप्स थ्री फेजेस इट इनवल्वस थ्री स्टेजेस और थ्री फेज नंबर वन इज कॉल्ड एज व्हाट फेज वन प्लाज्मोगेमी व्हाट इज प्लाज्मोगेमी गेमी मान गला फ्यूजन गेमी मान गला मैरेज प्लाज्मोगेमी मान प्रोटोप्लाज्म रा मैरेज हो जाए फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म सो कहार प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हम गैमेट प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हम सो गैमेटा मोशन रे थे मूव करुवे मोटाइल बा नॉन मोटाइल होते सो इट इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म of motile or non motile male and female gamete visible so jo male gamete female gamete amar achanti seta motile hi paranti नॉन मोटाइल हो पारती चल हो पारती अचल हो पारती स्थिर हो पारती आपे आपे को वाटर करंट एयर करंट आसिक मिसीजे निजे से चल चल कर दे कैन नॉट मूव अलोन तो किए गोटे नहीं की जीवा दरकार वाटर आसीपारती एयर आसीपारती तो से फ्यूजन है सो दीटा गैमेट प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूजन हो जाए कह प्रोटोप्लाज्मिक मैरेज और प्लाज्मोगेमी क्लियर सेकेंड फेज रे आम देखा दीटा प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हो सर कारियोगेमी हुए नेक्स्ट इज कॉल्ड इज व्हाट कारियोगेमी अच्छा प्लाज्मोगेमी प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन कारियोगेमी कारियन मान ला न्यूक्लियस एटा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हम न्यूक्लियर फ्यूजन हियर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दैट इज कारियोगेमी तबे हम देखिबा ये जो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हला तापर न्यूक्लियर फ्यूजन टा इमीडिएटली होउची ना टिके डिलेड हो कारियोगेमी इज अगेन टू टाइप्स सो स्टेप वन तुम कौन हो गला प्लाज्मोगेमी इज वेरी क्लियर टू ऑल प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन तापर कौन हम न्यूक्लियर फ्यूजन हम कारियोगेमी हम
ଇଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ବା କାରିଓଗେମି ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇ ଦିଆହେଇପାରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହବ ବା ଡିଲେଡ୍ ହବ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଗାଇସ୍, ଡିଲେଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା ଫଟାଫଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟାର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯିବ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆଇ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତା ମାନେ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବ ଏନ୍, ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବ ଏନ୍, ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଜାଇଗୋଟ୍। ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା, ଜାଇଗୋଟ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍କୁ ଟୁ ଏନ୍ ଲେଖନ୍ତି, ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଜାଇଗୋଟ୍। ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ଡିଲେଡ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ର ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପରେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି କେମିତିକା ହେଇଥିବ ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କର, ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ୟାର ଦୁଇଟା ଯାକ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲେ ତେବେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ବଟ୍ ୟା ଭିତରେ ଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସୋ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସେଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସେଠି ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟୁ ଏନ୍ କହିପାରିବି କି, କୁହ ମୋତେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍, ବଟ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜମ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଟୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇକରି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍। ସେଇଠି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଏନ୍, ୟା ଭିତରେ ଏନ୍, ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଟୁ ଏନ୍ ହେଇଗଲା, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସେ ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଟୁ ଏନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍, ବଟ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଟୁ ଏନ୍ କହିପାରିବି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍। ସୋ ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଆସିଲା, ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଡାଇକାରିଓଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଜ୍ ବା ଡାଇକାରିଓଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଟୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଡାଇକାରିଅନ୍, ଡାଇକାରିଅନ୍ ମାନେ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍। ଇଏ ରହିଲେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେ, ଡିଲେଡ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏବେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲେ ଦେଖ। ଏବେ ଏ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଜାଇଗୋଟ୍, ଟୁ ଏନ୍, ନାଓ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଜାଇଗୋଟ୍, ହେବ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଜାଇଗୋଟ୍ ଅର୍ ଟୁ ଏନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଗଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଲେଡ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ପୁଣି ତାପରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜାଇଗୋଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମେୟୋସିସ୍। ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ମେଥଡ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମେୟୋସିସ୍, ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଇଜ୍ ମେୟୋସିସ୍। ମେୟୋସିସ୍ଟା କ'ଣ ରେ ପିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଜାଇଗୋଟ୍ଟା ଏବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଗୋ ମେୟୋସିସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଫୋର୍ ହାପ୍ଲଏଡ୍ ସ୍ପୋର୍ସ। ଦିସ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଜାଇଗୋଟ୍ ଅଣ୍ଡରଗୋଜ୍ ମେୟୋସିସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହାପ୍ଲଏଡ୍ ସ୍ପୋର୍ ଏନ୍
haploid spore, how many? Four haploid spore ye production kar dao. Eta hala tumara sexual reproduction la different phases. Plasmogamy, karyogamy, then that is your meiosis, zygotic meiosis. Jehetu meiosis ta zygote re hue, sethi pai ei swatantra meiosis ta ku ame kon kahiba? Zygotic meiosis. This is called zygotic meiosis. Clear? तो आज आमे कौन कौन पढ़े आजिकार आम टारगेट कौन थी किंगडम फंगस आमे सब कनसेप्ट डिस्कसन कले माइसेलियम स्ट्रक्चर देन दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेलुलर स्ट्रक्चर ओके तबे आमे क्लासिफिकेशन करिबा फंगस डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस चारटा जाक क्लास अच्छे नेक्स्ट क्लास आम फंगस को क्लासीफाई कर आज किसी क्वेश्चन दे दूसरे तुम कर पुणे मत पठे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड एज डेस गिव वन एग्जांपल ऑफ unicellular fungus give an example of unicellular fungi question number 3 mention the function of lumazum ta mu koidili plasma membrane ra folding ये रेस्पिरेशन रे टेक पार्ट करूनी ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स नहीं सरफेस एरिया जेतु बढ़ी जाउची लुमाजुम रा काम वाला मटेरियल ट्रांसपोर्ट मटेरियल एक्सचेंज अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 रे में लिखिवा राइट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस फंगस रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो जो तीन टा स्टेप अच्छे लिखिब क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ क्वेश्चन गोटे दबा asexual reproduction in fungus occurs by asexual reproduction in fungus occurs by death ठीक अच्छे इतने की क्वेश्चन कराओ देखती मत सेंड करो आई विल चेक योर आंसर का पेज सो थैंक यू जहाँ जदि किसी डाउट्स थे ताले मते पर्सनली ग्रुप व्हाट्सएप पचारिपर ग्रुप पचारिपर नो इश्यू ओके थैंक यू